बुर्का पहन तीन तलाक से पीड़ित निदा खान कर रही है बीजेपी के लिए प्रचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बुर्का पहने 27 वर्षीय एक महिला प्रचार कर रही है। यह महिला तीन तलाक पीड़िता है और मुस्लिम महिलाओं को राज्य में भाजपा द्वारा दिए गए अच्छे कार्यों के बारे में जानकारी दे रही है। इनका नाम है निदा खान। निदा ने विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया और अगले चरण के चुनाव के लिए प्रचार में शामिल होने के लिए तैयार है। रूढ़िवादी परिवार से ताल्लुक रखने वाली निदा पार्टी के प्रचार के दौरान बुर्का पहनती है। चुनाव प्रचार के दौरान उनके साथ आमतौर पर भाजपा की महिला सदस्य और पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की सदस्य होती है। इस वर्ष पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में शामिल हुई निदा ने पीटीआई भाषा को बताया कि मैंने घर घर जाकर प्रचार किया और मेरठ और बरेली में भाजपा उम्मीदवारों के लिए महिला मतदाताओं के साथ छोटी छोटी बैठकें की है। मैं बाद में मध्य प्रदेश और पूर्वी जिलों में भी पार्टी के प्रचार अभियान में शामिल होंगी। निदा ने बताया, हम छोटे समूहों में घर घर प्रचार करने के लिए जाते हैं और एक दिन में अधिक से अधिक महिला मतदाताओं से मिलने की कोशिश करते हैं। महिला मतदाताओं से मिलने पर मैं उन्हें भाजपा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताती हूं। उन्होंने बताया कि ये समूह आमतौर पर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में प्रचार करते हैं। मैं आला हज़रत सोसाइटी की प्रेसिडेंट निदा खान, और अभी हम देख रहे हैं कि हमारा देश बहुत बुरी तरीके से इस महामारी की चपेट में आता जा रहा है कोरोना वायरस के, और देखा जाए कि मास्क एक बहुत ज़्यादा उपयोगी वस्तु है इस टाइम, और कोरोना वायरस से बचने के लिए एक साधन भी कह सकते हैं कि मास्क की हमें बेहद ज़रूरत है। और अभी हमने पिछले दिनों देखा था कि हमारे सीएम योगी जी ने भी बोला था कि 1,00,000 मास्क का उन्होंने ऑर्डर भी दिया था, उसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा ऑल ओवर यूपी। तो हम सब महिलाएं भी इसी काम में लगी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क बना पाएँ, और अपने आसपास जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ तक ये चीज़ें नहीं पहुँचती हैं, जहाँ ये चीज़ मुहैया नहीं करा पाते हैं, मुझे लगता है वहाँ ये चीज़ें पहुँचना बहुत ज़रूरी है और उनको समझाना भी बहुत ज़रूरी है कि कोरोना वायरस क्या महामारी है और ये कैसे फैलती है। और सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप लोग अपने घर बैठे और सेफ रहें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोरोना में ही है। जब हमने मास्क बनाया तो हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल तो रखा ही, साथ ही साथ जो मास्क के लिए हमने कपड़ा यूज़ करा उसे हमने पहले वॉश किया और उसके बाद ही यूज़ करा, जिससे इस पर किसी तरीके का वायरस या इन्फेक्शन ना रहे, क्योंकि अल्टीमेटली जब ये यूज़ हो तो ये हमें बिल्कुल होना चाहिए कि सैनिटाइज कपड़ा रहे और जो भी यूज़ करे वो सुरक्षित रहे। तो मेरी सब लोगों से यही अपील है कि आप लोग अपने घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, और जो भी एनजीओ हैं जिस तरीके से भी मदद कर सकते हैं उन्हें आगे आना चाहिए और मदद करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी न्यूज़।